एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स फूड अप। आज मैं आ चुकी हूँ कोलकाता की एक बहुत ही फेमस प्लेस जिसका नेम है आपनजन। ये प्लेस बहुत ही फेमस है यहाँ का फिश फ्राई एंड स्नैक्स के लिए, तो मैं भी यहाँ पे आ चुकी हूँ यहाँ का फिश फ्राई ट्राई करने के लिए। ये प्लेस का नेम है आपनजन एंड बंगाली में इसे बोलते हैं आपनजन, जो कि आपनजन आप मतलब समझ ही सकते होंगे अपने लोग। तो ये प्लेस बहुत ज़्यादा फेमस है एंड बहुत ही पुराना है। ये प्लेस को ऑलमोस्ट 40 इयर्स हो चुके होंगे अब तक, एंड अभी आप देख ही सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहा है। अभी सिर्फ दिन के 4 बजे और इतना ज़्यादा क्राउड है, एंड शाम होते होते और भी ज़्यादा यहाँ पे क्राउड हो जाता है। एंड ये प्लेस सुबह 12 बजे से लेकर रात 9 बजे तक खुला रहता है, एंड नॉन स्टॉप यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही भीड़ रहता है पूरे टाइम पे। एंड ये प्लेस लोकेटेड है एग्जैक्ट काली घाट पे, तो आप गूगल पे सर्च करके भी आ सकते हैं, एंड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका एग्जैक्ट लोकेशन भी डाल दूँगी, तो आप उस पर भी देख कर आ सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ का फेमस फिश फ्राइज वगैरह ट्राई करके देखते हैं, एंड आपको भी रिव्यू देते हैं कैसा है टेस्ट। गाइस, मैंने यहाँ से ऑर्डर कर लिया है यहाँ का फेमस फिश कोबी राजी फ्राई, जो कि मैंने स्मॉल साइज में लिया है, एंड इसका प्राइस है 160 रुपीज़। एंड साथ ही में मैंने लिया है एक एग चॉप जो कि 20 रुपीज़ का है, साइज़ भी डिसेंट सा है। एंड साथ में इन्होंने बहुत सारा सैलेड दिया है, क्यूकम्बर एंड अनियंस, एंड साथ में थोड़ा सा काशुंदी दिया है यानी कि मस्टर्ड सॉस। तो गाइस, अब पहले इनका ये एग चॉप को ट्राई करके देखते हैं। इसका प्राइस 20 रुपीज़ है। नॉर्मली आप कोई भी दुकान से अगर लेंगे तो ये आपको 10 रुपीज़ में मिल ही जाएगा, बट यहाँ पे 20 रुपीज़ प्राइस है। तो खा कर देखते हैं कैसा टेस्ट करता है। आप ऊपर का लेयर देख सकते हैं, काफ़ी क्रंची है, तोड़ते साथ ही क्रंचीनेस वाला साउंड आ रहा था। एंड अंदर में एक छोटा सा हाफ एग को दिया है इन्होंने, पूरा एग भी नहीं दिया है इन्होंने, हाफ़ एक दिया है। एंड आलू के साथ में कुछ है इसके अंदर स्टफिंग, एंड ऊपर से ये लेयर है। पहले लेयर को खाकर देखते हैं, टेस्ट काफ़ी अच्छा है। ये जो आउटर लेयर है इसका, ये काफ़ी क्रंची है, एंड अंदर का जो स्टफिंग दिया है इन्होंने आलू का, ये भी काफ़ी अच्छा टेस्ट कर रहा है। तो गाइस, अब इसे थोड़ा खाकर देखते हैं एक चॉप जो है प्रॉपर। आप देख ही सकते हैं ये जो एग को इन्होंने कट किया है ना, ये डायरेक्टली बीच से काट दिया। हम लोग जैसे नॉर्मली काटते हैं तो स्ट्रेट में काटते हैं, जैसे दोनों साइड में प्रॉपर इक्वली आए एग, बट ये लोग साइड से ही काट देते हैं। तो ठीक है, ट्राई करके देखते हैं इसे। अंदर में आलू का स्टफिंग है, तो इसे अब थोड़ा मस्टर्ड सॉस के साथ में खा कर देखते हैं। टेस्ट काफ़ी अच्छा है, बोलना पड़ेगा ये 20 रुपीज़ लिया है तो क्या हुआ, ये टेस्ट काफ़ी अच्छा कर रहा है। ये जो आउटर लेयर है यही बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसका, बहुत टेस्टी है ये, वर्थ फॉर मनी है 20 रुपीज़ के हिसाब से, एकदम सही दे रहे हैं ये लोग। गाइस, यहाँ का जो सारा ही फूड आइटम जो है, यानी कि फ़िश फ्राई हो गया, चिकन फ्राई है, पहले यहाँ पर एक मटन समोसा भी मिलता था, बट वो इन लोगों ने अभी बंद कर दिया है शायद। मैंने इनसे पूछा भी कि वो अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि वो मुझे खाना था, बट वो बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे सिर्फ फ़िश फ्राई एंड एग ही लेना पड़ा है। और भी आइटम्स मैं लूँगी, एंड यहाँ का एक प्राइस रेंज मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पे सिर्फ आपको 20 रुपीज़ में ये एग चॉप ही मिलेगा, इससे लेस प्राइस में और कुछ भी आइटम आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये सिर्फ एग चॉप मिलेगा आपको 20 रुपीज़ में, एंड 50 में आपको वेजिटेबल चॉप वगैरह मिल जाएगा, एंड बाकी सारा का सारा फ़िश आइटम्स का प्राइस 100 रुपीज़ के ऊपर ही स्टार्ट होता है। आपको मेन्यू का भी वीडियो ये ऐड कर दूंगी ये वीडियो पे, तो आप मेन्यू का वीडियो भी देखकर आप समझ सकते हैं यहाँ का प्राइस रेंज। तो और एक बाइट लेकर देखते हैं इसे काशुंदी के साथ में, ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। थोड़ा अनियंस के साथ में मैं खाऊँगी, टेस्ट काफ़ी अच्छा है ये एग चॉप का, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस मुझे यहाँ का एग चॉप बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, एकदम वर्थ फॉर मनी है 20 रुपीज़ के हिसाब से, एकदम सही दे रहे हैं। नेक्स्ट मैं ट्राई करूँगी यहाँ का फ़िश कोबी राजी, जो कि मैंने स्मॉल साइज़ में लिया है, इसका प्राइस है 160 रुपीज़। एंड ऊपर का लेयर आप देख सकते हैं, ये जो कोबी राजी होता है ये लोग एग से बनाते हैं, ये पूरा एग से इसको कवर अप करते हैं, एंड अंदर में फ़िश रहता है, देख सकते हैं आप फ़िश को स्टफिंग इसके अंदर में। अब इसके अंदर का देख सकते हैं, फ़िश बहुत ज़्यादा दिया है इन्होंने अंदर में, एंड प्राइस के हिसाब से फ़िश तो सही दिया है इन्होंने, एंड फ़िश भी काफ़ी फ्रेश लग रहा है दिखने में ही, एंड ये लोग प्योर वेट की यूज़ करते हैं,
एंड बाकी बहुत सारा फिश शॉप का शॉप्स है यहाँ पे आसपास में ही, जैसे कि शंकर फिश फ्राई में मैं जब गई थी तो वहाँ पे प्राइस काफ़ी रिजनेबल था, बट वो लोग बॉम्बे वेट की यूज़ करते थे, बट ये लोग प्योर वेट की यूज़ करते हैं इसलिए यहाँ का प्राइस थोड़ा ज़्यादा है शायद। गाइज आप देख ही सकते हैं ये फिश काफ़ी फ्रेश है एंड ऊपर में एक लेयर है फिश का, कुछ बैटर दिया इन्होंने एंड उसके ऊपर में ये लोग एग का लेयर देते हैं, अंडे का लेयर, जैसे ट्राई करके देखते हैं। टेस्ट काफ़ी अच्छा है इसका। ये जो एग दिया है इन्होंने ये एग काफ़ी क्रंची सा है एंड अंदर में जो फिश है ये काफ़ी सॉफ्ट है, थोड़ा मसाले और देते तो और ज़्यादा बेहतर होता, मसाले का थोड़ा कमी लग रहा है ये फिश फ्राई में, इसे थोड़ा काशुंदी के साथ में खाकर देखते हैं। ये काशुंदी के साथ में बहुत अच्छा लग रहा है, बट जब इसे प्लेन खा रहे ऐसे नॉर्मली तो ये फ्लेवर्स नहीं आ रहा उतना ज़्यादा, मसाले उतने समझ में नहीं आ रहे इसका, ये जब ऐसे ही खा रहे हैं ना डायरेक्टली तो इससे ना ये फ्लेवर्स जो मसाले का होता है वो थोड़ा कम आ रहा है, ब्लैंड सा लग रहा है थोड़ा, बट जब काशुंदी के साथ में खा रहे हैं तो थोड़ा अच्छा लग रहा है खाने में, टेस्ट थोड़ा अच्छा इन्हेंस कर रहा है ये काशुंदी इसका, काशुंदी के साथ में सही है बट इन लोगों को थोड़ा और मसाला देना चाहिए ये फिश को बिराजी में, बाकी ओवरऑल सही है। एंड इसका आपको मैं प्राइस रेंज बता देती हूँ, ये स्मॉल साइज़ है 160 रुपीज़ का एंड इसके आपको मीडियम साइज़ भी मिल जाएगा जिसका प्राइस है 180 एंड उससे जो लार्ज साइज़ है लार्ज साइज़ का प्राइस है 200 रुपीज़, तो आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं यहाँ से फ़िश को बिराजी, तो ये मुझे अच्छा लगा। फ़िश का फिलिंग इन्होंने बहुत सही दिया है इस पर, 160 के हिसाब से सही है, तो ये मुझे अच्छा लगा। तो गाइज अब मैं इसे जल्दी से फिनिश करती हूँ और दूसरा आइटम ट्राई करके आपको रिव्यू देती हूँ। 2000 years later. So guys, next मैंने यहाँ से ले लिया है फिश फ्राई एंड ये है फिश रोल। फिश फ्राई है, इसका प्राइस है 160 रुपीस एंड साइज आप देख सकते हैं स्मॉल है, उतना बड़ा नहीं है, थोड़ा और बड़ा होना चाहिए था। एंड ये है फिश रोल जिसका प्राइस है 220 रुपीस। काफ़ी ज़्यादा प्राइस लिया है इन्होंने, तो ट्राई करके देखना पड़ेगा ये वर्थ फॉर मनी है या नहीं। तो पहले मैं ट्राई करूँगी फ़िश फ्राई को जिसकी प्राइस है 160 रुपी, साथ में इन्होंने अगेन सैलड दिया है एंड काशुंदी देकर सर्व किया है, इसे ट्राई करके देखते हैं। काफ़ी ऑयली है ये एंड अंदर का फिश का स्टफिंग आप देख ही सकते हैं, काफ़ी फ्रेश है फिश एंड ये लोग वेट की ही यूज़ करते हैं एंड लेयर आप देख सकते हैं आउटर लेयर जो है इसका ये काफ़ी थिन है एंड अंदर का जो फिश का स्टफिंग है ये काफ़ी अच्छा दिया है इन्होंने फिश का स्टफिंग, आखिर 160 रुपीस लिया है तो स्टफिंग देना ही चाहिए था इनको फिश का। तो इसे पहले नॉर्मल ऐसे ही खाकर देखते हैं कैसा टेस्ट करते हैं, उसके बाद में काशुंदी के साथ में ट्राई करके आपको बताती हूँ। एकदम गरम गरम दिया है इन्होंने, टेस्ट काफ़ी अच्छा है गाइस, ये जो फिश फ्राई है टेस्ट सच में काफ़ी अच्छा है, 160 के हिसाब से ये साइज़ तो थोड़ा छोटा है बट टेस्ट इसका काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अब थोड़ा काशुंदी के साथ में खाकर देखते हैं, थोड़ा सैलेड भी ले लेते हैं। गाइस ये जो फ़िश फ्राई है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये काफ़ी अच्छा टेस्ट कर रहा है एंड साइज़ भी ये काफ़ी सही है एंड फ़िश आप देख सकते हैं इसका कलर देखकर ही आपको समझ में आ ही जाएगा कि ये कितना फ्रेश फ़िश ये लोग यूज़ करते हैं इस पर। एंड आप देख ही सकते हैं काफ़ी मोटा सा लेयर दिया इन्होंने, काफ़ी थिक सा लेयर है फ़िश का एंड ऊपर का जो आउटर लेयर है ये काफ़ी थिन है, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। ये ऊपर का जो लेयर बहुत लोग थिक दे देते हैं ना तो वो खाने में थोड़ा टेस्ट को बिगाड़ देता है, आउटर लेयर अगर थिक रहता है तो, बट ये थिन है तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड इसके भी आपको साइज़ मिल जाएंगे, ये स्मॉल है, इसका 160 रुपीस प्राइस है एंड इसका जो मीडियम साइज़ आता है वो 180 का होता है एंड जो लार्ज पीस है वो 200 का रहता है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड फिश भी इसमें काफ़ी फ्रेश है एंड स्टफिंग भी सही है, काफ़ी मोटा सा फिश का स्टफिंग भी है। और एक बाइट लेकर देखते हैं इनका जो काशुंदी का प्रिपरेशन है, ये काशुंदी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा एक सरसों का टेस्ट आ रहा है, तो काशुंदी काफ़ी अच्छा है यहाँ का, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा ओवरऑल। तो गाइज अब नेक्स्ट मैं ट्राई करूँगी यहाँ का फ़िश रोल, ये साइज़ काफ़ी सही सा है एंड काफ़ी मोटा सा है, थिक है काफ़ी, अंदर का स्टफिंग आप देख सकते हैं, काफ़ी सारा फ़िश दिया है इन्होंने, फ़िश के साथ में इन्होंने स्टफिंग दिया है कुछ, पता नहीं एग्जैक्ट क्या स्टफिंग है, तो इसे थोड़ा ट्राई करके देखते हैं। लेयर भी सही है, थिन है,
उतना मोटा नहीं है एंड फिश काफ़ी फ्रेश है यहाँ का, तो ये सब ट्राई करके देखते हैं। पहले ऐसे ही ट्राई करूँगी मैं। फिश के साथ में इसमें इन्होंने कुछ और भी मिलाया है, तो थोड़ा स्वीटनेस वाला भी टेस्ट आ रहा है। टेस्ट अच्छा है इसका। गाइस आप देख ही सकते हैं इसके अंदर में फ़िश के साथ साथ में कुछ और भी स्टफिंग इन्होंने दिया है, तो टेस्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड थोड़ा स्वीटनेस वाला टेस्ट आ रहा है, तो अच्छा लग रहा है ये। थोड़ा मैं काशुंदी के साथ में ट्राई करूँगी इसे। बहुत अच्छा है, काशुंदी के साथ में और भी अच्छा लग रहा है, और भी ज़्यादा फ्लेवर को इसका इन्हांस कर रहा है काशुंदी। इसका प्राइस 220 रुपीज़ है, प्राइस के हिसाब से ये अच्छा टेस्ट ही है इसका। बट मुझे अब तक मैंने जितना भी आइटम ट्राई किया उन सब में से मुझे ये फ़िश फ्राई ज़्यादा अच्छा लगा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप अगर यहाँ पे आते हैं आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, फ़िश रोल भी ट्राई कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। फ़िश फ्राई तो मस्ट ट्राई है एंड फ़िश गोभीराजी भी ट्राई कर सकते हैं। एंड वो जो एक चॉप था अब वो तो डेफिनेटली ट्राई करना, वो 20 रुपीज़ में बहुत ही अच्छा टेस्ट ये लोग सर्व कर रहे हैं, तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एंड ओवरऑल मुझे यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ के बारे में सुना था, यहाँ का बहुत ज़्यादा ही हाइप रहता है एंड बहुत सारे यूट्यूबर्स भी आकर यहाँ पे वीडियोस बनाते हैं, तो मैंने उन लोगों का भी देखा था। तो मैंने बहुत दिनों से सोच रही थी मैं कि मैं भी यहाँ पे आकर यहाँ का वीडियो बनाऊँगी, आप लोगों को रिव्यू दूँगी, जेन्युइन रिव्यू दूँगी कि एग्जैक्टली ये कैसा टेस्ट करता है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ का एक्सपीरियंस एंड आप भी यहाँ पे आकर यहाँ का फ़िश फ्राई वगैरह ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट बनाते हैं ये लोग। एंड आज के वीडियो के लिए इतना ही। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आपसे मिलते हैं अगली वीडियो पर।